एक नायक, एक आदर्श सेनापति जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसी मार्ग पर चलकर उसे विजय मिलेगी, यही मार्ग उसे सफलता की ओर ले जाएगा, तो फिर उसे दृढ़ता के साथ अपने निर्णय पर टिकना चाहिए। फिर वो मार्ग चाहे कितना ही ध्रुव क्यों ना हो, संकट भरा क्यों ना हो, फिर ये सारी शंकाएं एक आदर्श सेनापति के लिए अर्थहीन हो जानी चाहिए। राजनीति में कभी कभी एक साथ दो स्वार्थियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ध्यान रहे, उनको उनकी इच्छा के शस्त्र चुनने का अवसर ना दिया जाए। एक चतुर योद्धा वो नहीं जो विजयी होता है, चतुर योद्धा वो है जो सहजता से विजयी होता है। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। यही तो गुण होते हैं सच्चे नायक के, सच्चे नेता के। जितनी विपरीत परिस्थितियां उसके समक्ष आती हैं, वो उतना ही सक्षम होता जाता है हर नई और अप्रत्याशित बाधा से जीत कर। सेनापति अपने सैनिकों की दृष्टि में बड़ा और प्रिय बनता है। चंद्रगुप्त, यह खेल जो तुम सहाल में खेलने जा रहे हो, हमारी योजना हमारा शत्रु पहले से ही जान रहा है। ऐसे में एक बात सदैव याद रखना कि शत्रु जो चाल चले उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो। और जब शत्रु असावधान हो जाए उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। जी आचार्य, ये बात सदैव याद रखूंगा।